जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का अद्भुत दृश्य आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। आगे आगे बलभद्र जी महाराज जा रहे हैं, उसके बाद भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा का रथ यात्रा भी आएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पीछे पीछे भगवान जगन्नाथ आम जन को दर्शन देने के लिए आते हैं। गुंडचा मंदिर तक रथ यात्रा होता है दोस्तों। पूरी रथ यात्रा आज हम आपको दिखाने वाले हैं, भव्य रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। लोगों के अंदर आप उत्साह देखिए दोस्तों, भगवान का स्वागत करने के लिए लोगों के अंदर गजब का उत्साह है। और मेरे पीछे आप देखिए हजारों लोग रथ को खींच रहे हैं, और हर व्यक्ति रथ खींचना चाहता है, ये सौभाग्य होता है अगर किसी को रथ खींचने का मौका मिल जाए दोस्तों। और मेरे पीछे आप देखिए सुभद्रा माई का रथ का अद्भुत दृश्य, रथ यात्रा का अद्भुत दृश्य, और उसे खींचते हुए हजारों लाखों लोग। दोस्तों अभी आप देखिए भीड़ के बीच में हैं, और अभी पैरों पर अभी हम खड़े नहीं हैं बल्कि दूसरों पर टिके हुए हैं, इतना यहाँ पर भीड़ है रथ यात्रा को देखने के लिए, भगवान के साथ यात्रा करने के लिए गुंडचा मंदिर तक। बहुत ही अद्भुत नज़ारा शाम के समय। और दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं भगवान रथ के आगमन से पहले लोग भक्ति में नाच रहे हैं, नाच कर गा कर यहाँ पर भगवान का स्वागत कर रहे हैं। देखिए भगवान जगन्नाथ का रथ, और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है, बिल्कुल पास से हम आपको दिखाएंगे कितने में भीड़ हो। और देखिए लाखों लोगों के अंदर जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है दोस्तों।
यहाँ पर भी आप देख रहे हैं भगवान जगन्नाथ के रथ को हजारों लोग खींच रहे हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ जगन्नाथपुरी में भव्य रथ यात्रा। लोग पूछते हैं कि भगवान है कि नहीं है, पुरी में भगवान है कि नहीं है, रथ यात्रा में क्या वाकई में भगवान जगन्नाथ हैं? प्रश्न ये नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, यहाँ पर आने वालों के भावना में कितना परिवर्तन आता है, मन में कितना परिवर्तन आता है, प्रश्न एक है। अगर दुनिया के लोगों के अंदर की भावना बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए, पूरा दुनिया स्वर्ग बन जाए। भावना मेन होता है और यहाँ जो भी आता है उसकी भावना भक्तिमय हो जाती है, पवित्र हो जाती है और सद्विचारों वाली हो जाती है। इसीलिए आपको आना चाहिए, मंदिर भी आना चाहिए, आपको धार्मिक आयोजनों में भाग भी लेना चाहिए दोस्तों। और यहाँ आए हम भक्तों से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं दुबई से आया हूँ। अच्छा, दुबई से रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। आखिर क्या बात है, रथ यात्रा का क्या महत्व है? रथ यात्रा का ये महत्व है कि हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि जो जगन्नाथ जी के रथ पे जब वो विराजमान होते हैं तो उनके एक बार दर्शन कर लिया जाता है तो वो इस लोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अच्छा, तो दुबई से चले आए? जी। तो भगवान ने इन्हें दुबई से खींच के ले आया है। तो आज कैसा लग रहा है आपको इस रथ यात्रा में भाग लेकर? ऐसे लग रहा है कि वैकुंठ गोलोक यहीं पे है, पुरी में है, ठाकुर जी का रथ पीछे है, जगन्नाथ जी की असीम कृपा है, भव्य कृपा है। अच्छा ये बताइए कि इतनी तपन है, इतनी गर्मी है, पसीना पूरा बह रहा है, इसके बावजूद भी आप यहाँ जमे हुए हैं? जगन्नाथ जी की कृपा है और हम एमपी से आ रहे हैं 2004 से, उनकी ऐसी कृपा है कि आज 17, 18 और 21 साल हो गए, बिल्कुल ऐसी ही जनता मिल रही है। भावनाओं में ऐसा लग रहा है कि हम हमारे प्रभु हमारे पिताजी के पास आए हैं और यहाँ हम सोरे आते रहेंगे। हमारे जगन्नाथ जी बिल्कुल सर्वपरि हैं। अच्छा, जगन्नाथ देखिए भक्त यहाँ पर कितना खुश है। बोलो जगन्नाथ जी महाराज की। जिसको ऊपर डोरी लगेगा वही आएगा। अगर आप जितने भी चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी बंदा हो, लेकिन जिसके भगवान का कृपा होगा वो ही आएगा। अच्छा, और इतना गर्मी है फिर भी लोग यहाँ पर लाखों की भीड़ है, क्या बात है? ये भगवान के प्रति भक्ति है और स्नेह भाव है और भगवान चाहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो आए, मेरा दर्शन करे और रथ में देखे मुझको। इसीलिए भगवान एक साल में एक दिन आते हैं रथ यात्रा मनाने के लिए। अच्छा, ये भक्त भावना बदल जाती है आने पर? हाँ। भावना बदल जाती है, भावना बदल जाती है और ऐसा लगता है कि हमारे प्रभु के हम बिल्कुल शरण में आ गए हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह उठा के बिल्कुल खिलाते हुए रखते हैं। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, संसार के जितने भी सुख हैं, ईश्वरीय हैं, सब झूठे हैं, सब एक दिन हम छोड़ देंगे। अगर सच है तो ईश्वरीय शक्ति है, डिवाइन शक्ति है। जितना हम डिवाइन शक्ति के ईश्वरीय शक्ति करीब आएंगे उतना उतना हमको सुख मिलता जाएगा, आनंद मिलता जाएगा और यही मानव जीवन का लक्ष्य है दोस्तों। जब तक आप डिवाइन सुख को अपने जीवन में धारण नहीं करते, धर्म को धारण नहीं करते, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं होगी और उसी धर्म को धारण करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं।
था यहाँ जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में। Thank you.